गाइस सुबह के बज गए हैं 4 और एक्चुअली हमें डिनर करते करते बहुत टाइम हो गया था। और क्या हुआ, हमें हम लोग काफ़ी देर हो गई आए हैं, बट आके गुल्लू को चेंज वेंज किया, उसको फीवर है अभी थोड़ा सा, तो उसको दवाई वगैरह दी, अब उसको सुलाया है। तो बस अब हम खुद सोने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी हाउस हेल्पर को ज़रा मैसेज करूँ, कहाँ गई जी सरिता जी, सरिता जी को मैसेज किया जाए। जय मेरी माँ, कहाँ गई सरिता जी, इसमें नहीं है। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सुबह 7 बजे आ जाती है ना। सोनू कहाँ है भाई, 2000 के नोट इकट्ठे कर रहा है क्या, लोगों के मैसेज आ रहे हैं। एक सेकेंड बस। सरिता कल सुबह मेरे घर पर लेट आई हो, क्योंकि मुझे, मैं सो रही होंगी। 12 बजे? हाँ 12 बजे आई हो, ठीक है। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली, कैसे हैं आप सभी, और आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, वो भी घर से। आज मैं कर रही हूँ अपने कमरे का मेक ओवर इन द सेंस, इधर से ये साफ किया, उधर वो कपड़े, इधर एक सेकेंड, इधर ये सुखाने वाले कपड़े रखे हैं, ये इधर प्रेस वाले कपड़े रखे हैं। प्रेस वाले भैया जो है पिछले 15 से 20 दिन से नहीं आ रहे हैं, मैंने उनको बोला है कि, आज मैंने किसी को भेजा था क्योंकि उनका नंबर भी नहीं है मेरे पास, तो अब वो आएंगे। तो इधर से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी, इधर से ये बेड तो है ही क्लीन, और उधर गुल्लू के रखे हैं टॉयस। तो बस इधर ये सारा बिस्किट सब गिरा हुआ है। तो अभी का है गुल्लू का अपडेट, गुल्लू जो है अभी आ जा, गुल्लू अभी नहाया नहीं है, मेरे को देना भाई, गुल्लू अभी तक नहाया नहीं है, तो ना उसका मन, इधर मेरे को पकड़ा। और सरिता मैडम जो है, सरिता को नहीं दिखाना, चलो सरिता मैडम आई है 11 बजे, नहीं 11 बजे आती हैं, आई हैं 2:30 बजे। ला आओ मामा एप्पल कट करे, ला छोड़ मेरे को दे, आ चला एप्पल कट करेंगे। इसको मैंने बिस्किट दिया था, इसने बिस्किट नहीं खाया, इसके लिए कट करते हैं एप्पल। अब इसका फीवर ठीक नहीं हुआ है, मैंने दवाई चेंज करी है, तो दवाई के बाद अब देखते हैं, 2 घंटे बाद पता चलेगा। तो गाइस फाइनली मेरा ये कमरा जो है समेटा गया है, ये वाले कपड़े जो है प्रेस वाले के हैं, प्रेस वाले भैया आ जाएंगे, ये तो हमारे डेली रात को ओढ़ने वाले कपड़े हैं। इधर से सारी चीज़ें हो गई हैं, तो चलिए आपको दिखा देती हूँ ड्राइंग रूम, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं सोनिका तुम अपना घर दिखे के रखती हो। तो इधर मेरा ड्राइंग रूम भी है, सेट हो गया है। ये वाले कपड़े ड्राई क्लीन के लिए हैं, सामने इसलिए रखे हैं ताकि ड्राई क्लीन वाले भैया आए तो वो ले जाएं। तो फाइनली मेरा यहाँ का भी सेटअप बिल्कुल सही है। इधर गुल्लू और गुल्लू का बाबू जो है वो नमकीन खा रहे हैं, तो ये देखो, वेरी गुड। और नीचे इसने पैंटी पहन रखी है। सो गाइस यहाँ पे नकुल आया गुल्लू की तबीयत पता करने, गुल्लू के मामा चिंकी तो वो है, और इधर दूसरे मामा का फोन आ रहा है गुल्लू के, गुल्लू की तबीयत का पता करने। ठीक है गुल्लू, अब नहाएगी तब तो और ठीक हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे महफिल जमी भी है गुल्लू के दो दो मामाओं की, आ गए गुल्लू की, गुल्लू से भजन सुनने आए ये दोनों के दोनों गुल्लू की हालत पूछने आए कि गुल्लू तेरी तबीयत कैसी है। मुझे लग रहा है मेरा ये होल्डर खराब हो गया, लाइट नहीं चल रही, पकड़ो ये। गाइस गुल्लू आ चुका है नानी के घर से घूम के, चलो आ जाओ अंदर, और आज अपने, अबे ये तो फिर जा रहा है, इसको लग रहा है कि तू भी ऊपर आ, क्या हो गया भाई, मेरे को नहीं पता, देख इसको इस हालत में तो छोड़ के जाइयो मत, आके प्यार करके जप्पी करके फिर जा। भाई मैं तो नहीं ऐसे रह सकती घर में,
बाय फिर को बाय कर रही है। अबे यार अब कहाँ जा रहे हो, अबे अब कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, घर नहीं आना आपको बेटा। लड़कियां ऐसे रात रात को बाहर नहीं घूमती, आ जा आओ ऊपर आओ, पापा आने वाले हैं। गंदी बात है ये, आपको लग जाएगी, आओ ऊपर आओ। नकुल ऊपर आके बस 2 मिनट इसको प्यार करके फिर चला जाएगा, समझा के आ जा जल्दी आ जा। सारे के सारे घर के बाहर बैठे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं भी यहीं पे बैठी हूँ बेटा, तू भी यहीं पे बैठ जा। सारे के सारे घर के बाहर बैठे हैं क्योंकि गुल्लू क्या करें हम, क्या करना है, ऐसे बैठना है क्या करें। चले अंदर चले, देख पसीने आ गए घर चलना है आपको, अंदर चलना है बेटा, अंदर क्यों नहीं आना आपको। चिंकी तो अंदर है, चिंकी अंदर है, बाकी सब अंदर है। चाहिए चिंकी, चिंकी तोड़ना ही पी हुए, वो गलती से ले चिंकी नीचे गिर गई जल्दी जल्दी में। ये भी गाइस ये देखो क्या चल रहा सीढ़ियों में, गुल्लू घर नहीं जा रही है, बस सीढ़ियों में ही बैठी है, कह रही है मुझे नहीं जाना। ये सारे बेदखल हो गए हैं, बेदखल हो गए घर से, ये मामू पास आए हैं सारे के सारे, सारे के सारे, मम्मी ने इनको घर से बाहर निकाल दिया इनकी, तो ये सारे के सारे आए हैं मामू के पास। क्या करूं अब मैं, कर रहे हो भाई, मैं खुद घर के बाहर बैठी हूँ, अंदर नहीं जा रही घर के, अपने सारे बाबुओं को ये देख ले आई है, घर नहीं जाना पता नहीं। हाँ गुल्लू मना कर रही है, गुल्लू चले ऊपर चले बेटा, घर चले चले घर चले, नहीं नहीं गुल्लू घर चले, क्या करूं भाई, मामू पास रहना है। हाँ मतलब ऐसे ही रहना है इसको, और जबकि इतनी गर्मी है सीढ़ियों में। चल ठीक है ओके बाय, जा अंदर जा चलो गुल्लू अंदर चल। क्या हो गया बेटा, गर्मी लग रही है मुझे, चल अंदर चल। गिर जाएगी अभी, बाबू को उठाओ, मामू अंदर आए तो सब अंदर आए, मामू अंदर आए तो इसके सारे बाबू भी अंदर आ गए। भाई हम भी चलते, इतनी गर्मी है यहाँ पे भाई, ये दोनों रोबजे पे मारने हैं।
दोनों को पटाया है रोबजे के लिए, उसको पटाया यहाँ पे रुकने के लिए रोबजे के लिए, और गुल्लू को पटाया कि बेटा तू थोड़ी देर रोबजा पी ले, थोड़े देर को अच्छा लगेगा, तब जाके दोनों शांति से दिमाग गरम जो था पसीने में वो हुआ। हाँ इन सबको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ जनों का ग्रुप था, आठ जनों का भाई, सारे के सारे अनशन पे थे, रोबजे से अनशन टूटा सबका। देखते देख पता तेरी एक्टिंग कर रही है, जैसे जब तू पी रही है वैसे ही पी रही है, नाटक है पूरी की पूरी, नाटक बाजे है लड़की, फुल फुल गई तो अपने पप्पा के ऊपर है। यस बोला रोबजे पे तो यस बोला, मैं बच्चा हूँ। बारिश आई छम 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 नाचे हम तुम, आजा बारिश आ रही अंदर छाती में, आजा अम्ब्रेला में, कम इन अम्ब्रेला। ये लो आप ले लो, ये लो आप ले लो।